Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to IUM SBI Allergy Learners. Dear students, today we are going to discuss about microscopy and microscope, types of microscope, the two terminologies, parameters, magnification and resolution, and the microscope, simple compound electron, the magnification and resolution's power, as well as the importance. Dear students, आपको पता है 1400 सदी से पहले माइक्रोस्कोप का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो उससे पहले साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि प्लांट्स और एनिमल्स दे आर कंपोज्ड ऑफ सब सेलुलर पार्टिकल्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। हिस्ट्री को अगर हम देख ले, सो इन 14th सेंचुरी द फर्स्ट स्पेक्टेकल्स वर मेड इन इटली, ठीक है, लेंसेज जो है वो इटली में बनाए गए 1400 सदी में। उसके बाद 1590 द टू साइंटिस्ट फादर एंड सन Hans and Zacharias Janssen, they prepared the microscope. So these for the first time invented the microscope. ठीक है, इसके अलावा गैलीलियो भी लोग कहते हैं, तो इसमें इख्तिलाफ है। बहरहाल इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड और बायोलॉजिकल सिस्टम, सो 1590 Zacharias and Hans Janssen, they prepared the microscope. ठीक है, there may be a simple microscope at that time. उसके बाद इन 1667 यू नो रॉबर्ट हुक, ही आल्सो मेड अ माइक्रोस्कोप, होम मेड माइक्रोस्कोप, ठीक है, और उसकी वजह से फिर इन्होंने सलवाल जो कार्क में सेल, कार्क सेल्स, डेड सेल्स में जो चैम्बर्स इन्होंने देख लिए, उनको फिर रॉबर्ट हुक ने जो है चैम्बर्स का नाम दिया, और उसकी वजह से सलवाल की डिस्कवरी भी हो गई। ठीक है, उसके बाद 1675 एंटनी वैन लीवेनहॉक, आल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोस्कोपी, एंटनी वैन लीवेनहॉक, एंटनी वैन लीवेनहॉक, ठीक है। और इसको क्यों माइक्रोबायोलॉजी का जो है फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम He saw the bacterial cell. He also experimented on muscle cells, the blood vessels, etc., etc. ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोस्कोपी। इन्होंने लिविंग सेल को फॉर द फर्स्ट टाइम देख लिया, ठीक है, एंड देट वॉज द बैक्टीरियल सेल। उसके बाद जोसेफ जैक्सन लेस्टर ने 1830 में टू लेंजेस को कंबाइन करके मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर को इम्प्रूवमेंट, उसकी इम्प्रूवमेंट हो गई, यानी रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पावर दैट बिकम इंक्रीज ड्यू टू बाई कंबाइनिंग ऑफ टू लेंजेस, ठीक है। उसके बाद 1938 अर्नस्ट रस्का, ही मेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड आफ्टर डिवेलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन 1981, certain microscopes were also invented. So that's all about the history of microscope from 14th century up to 19th century. ठीक है, 1981 तक यह सिलसिला चलता रहा। आपको पता है जब पहले ज़माने में मोबाइल आ गया, ठीक है, उसमें जो कैमरे लगे हुए थे वो इतने क्वालिटी, रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन के नहीं थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें इम्प्रूवमेंट आती गई, तो आपको पता है आजकल जो मोबाइल में जो कैमराज हैं वो दे कैन मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व अ पिक्चर, ठीक है। तो इस तरह लेंजेज में और क्वालिटी में ये इम्प्रूवमेंट आती चली आई, ठीक है, इसकी वजह से आजकल और जो थियोरीज है, जो माइंड सेटअप है, उस वजह से जो माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तब्दील हो गया, ठीक है। So that is the history of microscopy. ठीक है, अब मीनिंग की तरफ आते हैं। What is micro? Micro, you know, for small.
और माइक्रोस्कोपिक एंड स्कोपी यू नो लुक एट या टू ऑब्जर्व, ठीक है। द फेनोमेना माइक्रोस्कोपी इज द फेनोमेना ऑफ ऑब्जर्विंग द स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। जिस तरह मैंने बता दिया 1400 सदी से पहले किसी को ये पता नहीं था कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो है ऑर्गेनिलीज भी मौजूद है, न्यूक्लियस भी है, जितनी भी ऑर्गेनिलीज है ये सब कुछ किसी को पता नहीं था। तो माइक्रोस्कोप की वजह से, माइक्रोस्कोपी की वजह से हम आजकल इस काबिल हैं कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि प्लांट सेल हैज़ सेल वॉल, एनिमल सेल हैज़ नो सेल वॉल। इसी तरह हम ये कह सकते हैं प्लांट सेल हैज़ न्यूक्लियस, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियस, एनिमल सेल हैज़ लार्ज न्यूक्लियस, राइबोसोम्स आर देयर, ऑल दीज आर ड्यू टू माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। डेफिनेशन को देख ले, द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू व्यू ऑब्जेक्ट्स एंड एरियाज ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके हम वो ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जो नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आती। नेकेड आई का मतलब क्या है? अगर किसी चीज़ को हम विदाउट इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट हम अंदर दरमियान में नहीं लाते, कोई इंस्ट्रूमेंट के बगैर अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं और देख पाते हैं, तो सो दैट इज़ द विजुअलाइजिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद नेकेड आई। अगर एक चीज़ बहुत छोटी है और उसको हम इसी तरह नहीं देख सकते, तो उसके लिए फिर हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे, तो उसको फिर हम कहेंगे विदाउट, इसको हम क्या कहेंगे, विदाउट नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब है विदाउट यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे और फिर देख पाएंगे, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, विदाउट नेकेड आई। सो विद नेकेड आई इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। इस फिनोमेना को माइक्रोस्कोप के जरिए छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको जो है स्टडी करना, डायग्नोस करना, इस फिनोमेना को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल है, आपको पता है माइक्रोस्कोप, ये जो हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया आप डिटेल में फिर देख सकते हैं। माइक्रो इज ऑल्सो फॉर दैट इज द सेम फॉर स्मॉल एंड स्कोप टू लुक एट, ठीक है। जब भी माइक्रोस्कोप की बात आती है तो स्टूडेंट्स के जहन में सिर्फ वही माइक्रोस्कोप जहन में आता है जो मेडिकल लेबॉरेटरीज में इस्तेमाल होते हैं, जो स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। याद रख ले, माइक्रोस्कोप हैव डिफरेंट टाइप्स, मेनली देयर आर टू टाइप्स, द लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन इसको अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप को अगर हम फिर डिफरेंशिएट कर ले, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, इसके अलावा और भी हैं। लेकिन बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हम लाइट माइक्रोस्कोप में जो सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो इस्तेमाल करते हैं आजकल, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। बाकी माइक्रोस्कोप इसकी जो है बहुत अकसाम है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप है क्या? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एनलार्ज एंड मेक क्लियर द इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। वो इक्विपमेंट, वो आला जिसके ज़रिए हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनिजम्स को इनलार्ज कर सके, क्लियर कर सके, उस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब टाइप्स की तरफ आते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स, यू नो, वन इज़ लाइट माइक्रोस्कोप, द सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की बुनियाद पर, खा वो रोशनी है, रोशनी के ज़रिए ये माइक्रोस्कोप काम करती है, या इलेक्ट्रॉन के ज़रिए यह माइक्रोस्कोप काम कर रही है, तो इसी बुनियाद पे दो तरह की है, वन इज़ कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप को फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो, हैंस जेंसन एंड ज़ेकरियस जेंसन, द फादर एंड सन, ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड द लेंसेज और सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड दैट इज़ कॉल्ड द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। एंड रस्का इन 1938 फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं कि यह माइक्रोस्कोप रोशनी के ज़रिए काम करती हैं, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की बदौलत, इलेक्ट्रॉन के ज़रिए जो इमेज फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिटेल में हम पढ़ते हैं अभी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब लाइट माइक्रोस्कोप इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंजेस, ठीक है।
लाइट माइक्रोस्कोप, आपको पता है पिक्चर में आप देख लें, लाइट माइक्रोस्कोप जो रोशनी से चलती हैं, दैट इज़ द लाइट माइक्रोस्कोप यू आर यूजिंग इन योर स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी लैब्स आल्सो, ठीक है, आल्सो इन मेडिकल लेबॉरटरीज. सो दीज आर द लाइट माइक्रोस्कोप विच आर यूज इन आवर डेली लाइफ इन आवर डेज, ठीक है. अब जो है लेंजेस की बुनियाद पे ये दो तरह की है, वन इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, द सेकंड वन इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है सिंपल और कंपाउंड में, याद रख ले, सिंपल माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है हैविंग वन बाई कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, एक ही कन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है इसमें, या आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का कोई फिनोमेना नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही बाई कन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है, एक लेंस की वजह से इसको हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप. जो पहले ज़माने के माइक्रोस्कोप थे, 1400 1500 1700 के जो माइक्रोस्कोप थे, ठीक है, तो उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते थे, ठीक है. पिक्चर में आप सिंपल माइक्रोस्कोप के जो पिक्चर्स हैं, वो जो सैंपल्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है. पिक्चर में आप नज़र डाल दें, इस तरह के माइक्रोस्कोप पहले हुआ करते थे, ठीक है. सिंपल माइक्रोस्कोप हैविंग अ लेंस, फिर उसके बाद डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट आती गई, और पिक्चर में आप देख ले, यही वो इम्प्रूवमेंट है सिंपल माइक्रोस्कोप में, ठीक है. इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको क्यों कहते हैं, हैविंग टू आर मोर देन टू लेंजेस, टू आर मोर लेंजेस. हम कहते हैं लेंजेस की बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन हुए हैं माइक्रोस्कोप की, तो इसमें एक दो या तीन चार लेंजेज या ऑब्जेक्टिव लेंजेज होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. पिक्चर में आप देख ले, जो लेबॉरटरीज में आजकल इस्तेमाल होते हैं, जो स्कूल एंड कॉलेजेस में इस्तेमाल होते हैं, दीज आर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड यू नो दीज आर बेसिकली द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है. अब जो है फिर सिंपल माइक्रोस्कोप, वो तो आपको पता है. अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ आईपीस. आपको पता है माइक्रोस्कोप में जो नीचे दो तीन लेंजेस लगे हुए होते हैं इस तरह, यहाँ पे अगर हम जगह दे दें, ठीक है, इस तरह आप देख लें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप हैं, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंजेस लगे हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह ऑब्जेक्टिव लेंजेस लगे हुए थे, यहाँ पे जो आईपीस हमें नज़र आ रही है, ठीक है, दिस इज़ फॉर एग्जांपल अ सिंपल माइक्रोस्कोप. यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंजेस है ये, और यहाँ पे जो लेंस लगा हुआ होता है उसको हम कहते हैं आईपीस. पिक्चर में आप देख लें, ये जो ऊपर है इसको हम कहते हैं आईपीस, और ये जो नीचे हैं तीन चार लेंजेस है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंजेस, ठीक है. अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आईपीस की बुनियाद पे, ऊपर जो सेक्शन है पिक्चर में आप देख ले, ऊपर जो सेक्शन है जहाँ पे आईपीस लगा होता है, उस आईपीस की बुनियाद पे माइक्रोस्कोप दो तरह की है, वन इज कॉल्ड मोनोक्युलर माइक्रोस्कोप, द सेकंड वन इज कॉल्ड बिनोक्युलर माइक्रोस्कोप. अगर एक आईपीस लगा हुआ है, पिक्चर में देख ले, एक आईपीस वाला जो माइक्रोस्कोप है इसको हम कहते हैं मोनोक्युलर माइक्रोस्कोप. अब अगर आईपीस दो हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं, दो आईपीस वाले माइक्रोस्कोप का हम कहते हैं बिनोक्युलर माइक्रोस्कोप, ठीक है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ आते हैं. वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिंपली SEM. सेकंड वन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM, ठीक है. बोथ माइक्रोस्कोप्स they can visualize the microscopic structures with the help of electrons. थोड़ा सा फ़र्क है इसमें. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको हम क्यों कहते हैं, इसमें हम स्कैनिंग कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, 3D इमेज हम ले सकते हैं, लेकिन बाहर से हम किसी सेल और ऑर्गेनली को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है. इसको इसलिए हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और इसको हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं, अगर एक सेल है, माइक्रोस्कोपिक सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिलीज हैं, न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिलीज जो भी है अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एटसेट्रा,
तो अंदर ये इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसमिट अंदर जा सकते हैं और सेल के अंदर हम ऑर्गेनेल्स को भी देख सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, ये माइक्रोस्कोप ये भी इस्तेमाल होती है, बाज़ जगहों पे ये माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है और बाज़ जगहों पे ये माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोस्कोप, इट डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स, वन इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या है, द कैपेसिटी टू इंक्रीज द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, किसी चीज को अगर आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उसको आप क्या कर ले, क्लियर कर ले, क्लियर कब होगा एक ऑब्जेक्ट, जब उसको आप एनलार्ज करेंगे। मैग्निफिकेशन ये क्या है, मैग्निफिकेशन इज द कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की वो खासियत जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को जो उसका रियल साइज है, उसका जो अपेरेंट जाहिरी साइज है, उसको हम लार्ज कर सके, क्लियर कर सके, शार्प कर सके, तो इस कैपेसिटी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रेजोल्यूशन क्या है, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज बीइंग सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। अगर दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, अगर हमें नजर आ रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसको माइक्रोस्कोप के जरिए हम जूम कर ले, जूमिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, तो आप देखेंगे दीज आर कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, सो दैट इज द जूमिंग कैपेसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट आप नेकेड आई से क्लियरली नहीं देख रहे हैं कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट्स है, थ्री कंपोनेंट्स आर देयर, और माइक्रोस्कोप के जरिए अगर आप रिजॉल्व करेंगे, उसको जूम इन करेंगे, तो ये आपको क्लियर नजर आएंगे कि दीज आर टू आर थ्री कंपोनेंट्स, सो दैट कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, यहीं पे आप पिक्चर में देख लें मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक पिक्चर है, इसमें आप एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं हैविंग लो मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन इज लो, तो ये ऑब्जेक्ट आपको छोटा नजर आ रहा है, अगर हम मैग्निफाई कर लें तो ये ऑब्जेक्ट आपको बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, रेजोल्यूशन की बात करें, दो तीन सेल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन की वजह से हम ये क्लियर करेंगे, तो पिक्चर में आप देख ले रेजोल्यूशन से पहले और रेजोल्यूशन के बाद ये खुली आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब माइक्रोस्कोप की जो एबिलिटीज़ हैं, इम्प्रूवमेंट हैं, जो डेवलपमेंट है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। अब मैग्निफिकेशन पावर को हम अगर ज़्यादा करेंगे, डेवलपमेंट की वजह से, इम्प्रूवमेंट की वजह से रेजोल्यूशन इम्प्रूव होगी, मैग्निफिकेशन इम्प्रूव होगी, तो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी और माइक्रोस्कोप की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होगी, एंड दैट माइक्रोस्कोप विल बी एबल टू जूम इन इन लार्ज अमाउंट and zoom out in high capacity, as well as that microscope will be able to resolve the object clearly. ठीक है, बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे magnification और resolution, these are the two parameters of microscope. इसी की वजह से हम एक microscope को अच्छी quality वाली microscope कहते हैं और normal quality वाली microscope कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने simple microscope, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर और रेजोल्यूशन पावर जो है लिखी है, यहाँ पे देख ले, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर दैट इज अप टू 300 टाइम्स। एक बात जहन में रख ले, मैग्निफिकेशन को हम एक्स पे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है मैग्निफिकेशन हैज़ नो पावर, लेकिन एक्स फिर भी हम लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4x विन मल्टीप्लाई विद 10x इट बिकम 40x। ठीक है, तो ये जो x हम लगाते हैं दैट इज फॉर टाइम्स, 40 गुना, इसका कोई यूनिट नहीं है मैग्निफिकेशन का। ठीक है, पिक्चर में आप देख ले, अगर 4x लेंस हम इस्तेमाल कर ले ऑब्जेक्टिव लेंस और 10x आईपीस लेंस इस्तेमाल करें, टोटल मैग्निफिकेशन कितने गुना हम ये एक ऑब्जेक्ट को ज्यादा लार्ज हम देख सकेंगे, दैट विल बी 40x। अगर हम 10x आईपीस इस्तेमाल करेंगे
और 10x ऑब्जेक्टिव लेंस, सो दैट विल बिकम 100x. एक चीज़ यहाँ पे 100 गुना लार्ज हमें नज़र आएगी, ठीक है, बाई यूजिंग 10x मैग्निफिकेशन एंड 10x रिजोल्यूशन, सॉरी 10x ऑब्जेक्टिव लेंस एंड 10x आई पीस लेंस. अगर हम 40x ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करें पिक्चर में देख सकते हैं और 10x आई पीस लेंस इस्तेमाल करें, सो टोटल विल बी 400x. तो ये मैग्निफिकेशन दैट इज हैज़ नो यूनिट एंड इट एक्सप्रेसेस बाय कैपिटल एक्स एंड इट मीन्स टाइम्स, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, 400 टाइम्स, ठीक है. और रेजोल्यूशन का जो है नैनोमीटर में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, नैनोमीटर, ठीक है, बिकॉज रेजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, वेवलेंथ. एंड यू नो दैट दिस रेजोल्यूशन दैट इज इन लाइट माइक्रोस्कोप एंड द विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप दैट इज विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोमीटर दैट इज 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर. तो एक ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप में, तो उसकी रेजोल्यूशन पावर दैट विल बी इन बिटवीन 400 and 750 नैनोमीटर, ठीक है, क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है वो इस इनके दरमियान है, ठीक है. अब अगर वेवलेंथ इसके दरमियान है तो जो इमेज हम नज़र देख, जो इमेज जो है, अगर हम उस इमेज को फिर हम इस नैनोमीटर के दरमियान वो इमेज हम देख सकेंगे, ठीक है. सो दैट इज़ फ्रॉम 300 मैग्निफिकेशन एंड द रेजोल्यूशन पावर इज़ अबाउट 200 to 500 नैनोमीटर, क्योंकि यहाँ पे रेजोल्यूशन इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ एंड द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट दैट इज़ फ्रॉम 400 to 750 नैनोमीटर, ठीक है. इस कंसेप्ट को यहाँ पे देख ले थोड़ा. अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और विजिबल लाइट को हम बम्बार्ड करते हैं इस तरह, तो यहाँ पे वेवलेंथ 400 and 700 नैनोमीटर या 300 या इसके दरमियान है, तो पार्टिकल्स को ज़्यादा स्ट्राइक नहीं करेगी ये वेव्स, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम बम्बार्ड करेंगे तो उसका वेवलेंथ बहुत कम है. हर पार्टिकल ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक द ऑब्जेक्ट एंड यू विल सी द क्लियर इमेज एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है. तो ये वेवलेंथ और रेजोल्यूशन ये एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है. अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट इज़ फ्रॉम 40x टू 1000x मैग्निफिकेशन. कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इतनी मैग्निफिकेशन पावर है किसी चीज़ को देखने के, 40 गुना 1000 गुना, ठीक है, और अबाउट 200 नैनोमीटर तक ये रेजोल्यूशन कर सकती है, ठीक है. और विजिबल लाइट को 200 नैनोमीटर तक एक वेव वो ये रिजॉल्व कर सकती है, उसके ज़्यादा इसका कोई पावर, रिजॉल्विंग पावर नहीं है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1,000,000 मैग्निफिकेशन, 1,000,000 मैग्निफिकेशन पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ठीक है. वजह क्या है, द रिजॉल्विंग पावर इज़ अबाउट 0.2 नैनोमीटर. आपको पता है 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रॉन या माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर. बात समझ आ रही है. एंड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 0.2 नैनोमीटर. सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट विजुअलाइज द स्मॉल एंड स्मॉल ऑर्गेनली और ऑर्गेनिज्म एज कम्पेयर टू कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है. इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आजकल हम कहते हैं कि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल मौजूद है, पिक्चर में देख ले, सेल वॉल इज देयर इन प्लांट सेल, सो दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप यू कैन से, ठीक है. अगर हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स आर देयर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, और राइबोसोम इज आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, पिक्चर में आप देख ले, तो ये किस वजह से, किसकी इंपॉर्टेंस है, माइक्रोस्कोपी की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ठीक है.
इसके अलावा अगर कोई माइटोकांड्रिया में कह दूँ कि माइटोकांड्रिया इज देयर इम्प्लांट इन एनिमल सेल, तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इस क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं और माइक्रोस्कोप की बदौलत हम ये आजकल देख पा रहे हैं। ठीक है, पिक्चर में आप माइटोकांड्रिया देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये पिक्चर ली गई है। ठीक है, इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दरमियान जो कंपेरिज़न है इमेज विजुलाइजेशन में, वो मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पिक्चर में देख लें, ऑनियन सेल हैं, कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह नज़र आएंगे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह। बैक्टीरियल सेल हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको बैक्टीरियल सेल इस तरह नज़र आएगी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह। खुद मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन वो आप खुद नोट करते जाएँ। ठीक है, इसके अलावा अगर प्लांट सेल हैं तो कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह नज़र आएगी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस तरह। अगर एनिमल सेल है, लाइट माइक्रोस्कोप में आप इस तरह देख सकेंगे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप उस तरह देख सकेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द कंपैरिजन ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ यहाँ तक आप क्लियर होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल सी अनदर टॉपिक, द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। इसके अलावा कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे गए थे कि व्हाट इज़ फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाई वी आर यूजिंग नैनोमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर। याद रख ले, माइक्रोमीटर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं या माइक्रॉन्स, मिलीमीटर में हम माइक्रोमीट्री में मिलीमीटर हम इसलिए नहीं लेते कि मिलीमीटर में हम इसलिए पैमाइश नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल्स दैट रेंजेस इन बिटवीन माइक्रोमीटर्स, उनकी जो साइज़ है, डायमेंशन है, वो बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, सो दैट इज़ इन माइक्रॉन्स या माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, 5.0 माइक्रोमीटर, 2.1 माइक्रोमीटर ऑर्गेनेल्स का जो डायमेंशन है। ठीक है, इसलिए हम माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं और मिलीमीटर इस्तेमाल नहीं करते, मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में इसलिए कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन था वो फील्ड ऑफ व्यू, माइक्रोस्कोप में अगर आप किसी स्लाइड को देख ले, माइक्रोस्कोप में स्लाइड को आप अगर देख ले इस तरह, तो आपको ये सारा स्लाइड माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आएगा, एक खास इलाका आपको माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा। ठीक है, और इस इलाके को, इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, तो इस इलाके को हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। माइक्रोस्कोप में जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ तक आप क्लियर होंगे। उम्मीद रखता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।